Bueno. Vamos. अच्छा ये दगा आप ऑटोमेटिक भी डाल सकते हैं और डायरेक्ट भी डाल सकते हैं। ऑटोमेटिक दगा डालने के लिए ये तरीका है, आप इस तरह इसमें इसको ऑटोमेटिक डाल सकते हैं और अगर डालना चाहते हैं तो भी डायरेक्ट डाल सकते हैं, मसला नहीं। अब ये दगा डाल दिया, नीचे का जो दगा है आपने इसको इस तरह ऊपर लेके आना है, इसके बाद आप कपड़ा बुकरम रख के इसको चला सकते हैं। यहाँ से इसका डिज़ाइन चेंज हो सकता है, डिज़ाइन आपने यहाँ से चेंज करना है, यहाँ पे जो भी डिज़ाइन आएगा वही डिज़ाइन बनाएगा मशीन। यहाँ से इसका जो बकी है छोटी बड़ी हो सकती है, डिज़ाइन छोटा बड़ा उसकी साइज़ कम ज़्यादा हो सकता है। ये रही इसकी सीन सिलाई, इसके बाद अगर आपने कोई पीको का डिज़ाइन बनाना हो, कुछ भी करना हो, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। अब ये एक तरह का साइज़ है, अगर आप इसको छोटा करना चाहते हो यहाँ से आप छोटा कर दें, मज़ीद जितने आप छोटा करना चाहते हो छोटा कर सकते हैं। अब ये देखिए ये डिज़ाइन बना रहा है, बस ये इसके चलाने का तरीका है। अगर मशीन बार बार दगा तोड़ती है इसको आपने थोड़ा सा ढीला कर लेना है, अगर बकी ख़राब हो तो इसको आपने टाइट कर लेना है। अगर आपने फिरकी भरनी हो जो बॉबिन कहते हैं वो यहाँ से आप भर सकते हैं।